तो आज हम हैं सिनेमा हॉल के बाहर ब्रह्मास्त्र का ऑनेस्ट रिव्यू लेने के लिए। तो देखते हैं जनता की क्या प्रतिक्रिया है। भाई साहब, ब्रह्मास्त्र का रिव्यू देंगे? क्या हुआ रिव्यू? दुनिया का सबसे महंगा लेजर शो, वही ब्रह्मास्त्र का रिव्यू दे दीजिए। रिव्यू तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ये जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है पिक्चर में, शिवा, आग उनको जलाती नहीं, लेकिन मेरा रिव्यू उनकी गांड जरूर जला देगा। 10 साल काफी लंबा समय होता है, तो 10 साल वाली क्या बात थी इस पिक्चर में, कुछ बताना चाहेंगे आप? जिस नजरिए से आप इस पिक्चर को देख रहे हैं कि 10 साल लगे होंगे, काफी अच्छी पिक्चर बनी होगी, वृहद बनी होगी, तो इस नजरिए से मत देखिए। मैं बताता हूँ पिक्चर की, देखिए स्टोरी जो है उसको लिखने में 1-2 घंटा लगा होगा। अब बचा कास्टिंग, तो 1-2 दिन उसमें भी लगे होंगे, और जो शूटिंग का है 1 साल शूटिंग में, और जो बचे 9 साल उसमें आपको देखिए नरूटो के 900 एपिसोड हैं, तो वो समय लगा होगा उसको देखने में, 900 एपिसोड देखने में। फिर उसके बाद ड्रैगन बॉल जी के कई सीजन हैं उसको देखने में, मार्वल की 30-40-20 जितनी भी पिक्चरें हैं वो पिक्चरें, एक्समैन की पूरी सीरीज, उसके बाद शहर शहर जाके लेजर शो देखना पड़ा होगा, तो अब जाके तब जाके ये पिक्चर फाइनल हुई होगी। तो 10 साल इनको ऐसे लग गए। पार्ट टू का भी ये बात कर रहे थे, तो पार्ट टू में मतलब क्या, किस तरह की चीज़ें रहेंगी? देखिए अब कुछ तो बचा नहीं रह गया, सारी चीज़ देख लिया होगा इन्होंने इस पिक्चर को बनाने में, तो मुझे डर है ना कि कहीं छोटा भीम से इंस्पायर ना हो जाए। कैसा डिजेस्टर क्रिएट करेंगे आप, मतलब कि कोई कोई इस चीज़ का कल्पना नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है उसमें। 400 करोड़, हिंदी जगत के इतिहास की सबसे बड़ी बजट की फिल्म है ये, उस पर क्या कहेंगे आप? 400 करोड़ में हमारा मंगलयान मंगल पहुंच गया था, और ये 400 करोड़ में दिल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहां कहां गए 400 करोड़? देखिए इन लोगों ने हायर किया था VFX बनाने के लिए, जो लेजर शो तैयार किया उसके लिए उन्होंने एवेंजर्स के कंपनी, जिसने एवेंजर्स का VFX बनाया उसको हायर कर लिया, 100-200 करोड़ तो वही ले लिया होगा। उसके बाद बचा बड़े बड़े मेगा स्टार्स, 20-25 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ तो उन्होंने लिया होगा। तो जो विलन 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 उस वो कैसा था विलन? हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बजट खत्म, अब लगा होगा कि किसको विलन बनाया जाए, पैसा तो खत्म, बजट खत्म, तब फैसला हुआ कि चलिए चंदा ले लेते हैं। 50-100 सबने दिया होगा, स्पार्ट बॉय ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, इधर उधर के सारे काम करने वालों ने, 50-100 सबने मदद की होगी, तो झांट भर पैसा जुटा होगा, तो फैसला हुआ कि झांट भर से किसको कास्ट किया जाए। तब तक बगल में कांता बाई थी, तो उनको सांप दिख गया, बोली नागिन 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 नागिन, तो नागिन, तो नागिन फाइनल। डायरेक्टर का आइडिया या वाटन आइडिया, तुरंत नागिन फाइनल, मौनी राय कैरेक्टर फाइनल विलन का। सर ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में कुछ बताइए। अरे कुछ तो बताइए, मुंह तो ऐसे छिपा रहे लग रहा है कोठे से आ रहे हो। अरे वो कोठे से आ रहे हैं, आप ही बताइए। देखिए ये मूवी को देखने के बाद ना मेरे दिल में छपरी नींबू की इज्जत बढ़ गया। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि पिक्चर से अच्छी लाइंस तो वो मेरे माल की इनबॉक्स में डाल देते हैं सब। माल के आप ही चला, आप पर्सनल हो रहे भैया। तो सबसे खराब डायलॉग कौन सा था? देखिए वैसे तो फिल्म में एक से बढ़कर एक खराब डायलॉग थे, लेकिन जो एक डायलॉग था वो सबसे खराब, प्यार से बड़ा कोई ब्रह्मास्त्र। तो क्यों मरा फरहाद, रांझा क्यों मरा, क्यों मर लिया पेट में चाकू रोमियो ने, क्यों लाखों लाखों लड़के नशे काट लेते हैं, क्यों प्यार? तो कैसे हुआ प्यार सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भोसड़ी के तक? तुम भी हटो साले। सर 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 ब्रह्मास्त्र पे एक रिव्यू। सर सर बताइए। सॉरी सर लेट हो रहा है। एक लाइन में कुछ बता दीजिए। अच्छा एक लाइन कहना चाहूंगा मैं, छपरियों के लिए मूवी होगी मार्वल से भी शानदार, लेकिन असल में ये मूवी तो जानी दुश्मन की यादें ताजा कर देती है। जान नगवा वाली जो पनिया बिगड़िया चलाता, जानी दुश्मन जितनी खराब थी पिक्चर ये नहीं, कुछ चीजें अच्छी भी थी इसमें, जैसे कि स्वदेश वाले शाहरुख खान जी और डॉन नंबर वन वाले नागार्जुन जी और आपके जहरीली खीर वाले अमिताभ बच्चन जी, तो इन्हीं लोगों ने तो ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र बनाया है, और बाकी लोग तो अपनी औपचारिकताएं भी नहीं पूरी कर पाए और पूरी मूवी के लौड़े लगा दिए। पिक्चर का नाम ब्रह्मास्त्र है, इसमें कई सारी अस्त्रों का प्रयोग किया गया है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अस्त्र पता है, एक अस्त्र पाने में लोगों को सालों की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके उनको अस्त्र मिलता है, लेकिन इस मूवी में लौंडों छोंडों को ऐसे ऐसे अस्त्र बांट दिया जा रहा है कि जैसे मनरेगा के तहत हर घर रोजगार बांटा जाता है। पता है इस पिक्चर में कोई रिसर्च ही नहीं की गई है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि नंदी अस्त्र और वानर अस्त्र, जबकि हमारे ग्रंथों में इन दोनों अस्त्रों का वर्णन ही नहीं है। हमारे ग्रंथों में दिखाया गया है कि
पशुपति अस्त्र और नारायण अस्त्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया है, सबसे ताकतवर, लेकिन इस पिक्चर में ब्रह्मास्त्र को दिखाया गया है। जीरो रिसर्च किया है इस पिक्चर वालों ने। एक लाइन मेरा हो गया है, अब हम चलते हैं। हाँ तो भैया, अगले पिक्चर मुलाकात होगी आपसे, ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे पब्लिक का हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।